सो ये हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट वन में, कर्वेचर पंप के लिए रिवाइज कर रहे थे कि अगर एंगल चेंज है बिटवीन दीज टू एंगल्स डी थीटा, तो यही एंगल इनकी रेडियल लाइंस के बीच में भी होगा। और हमने ये रिलेशनशिप डिस्कस कर लिया था, डी एक्स इक्वल टू रो डी थीटा, हमने रखा वन ओवर रो इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी एक्स, विच कैन बी रेड एज एंगुलर चेंज पर यूनिट लेंथ। सो फॉर यूनिट लेंथ वन ओवर रो एंड डी थीटा आर सेम थिंग्स। सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ रीइंफोर्स कॉन्क्रीट। यहाँ पे ये इसको लेबल किया गया फाई, जो फाई हमने यहाँ डी थीटा को कहा फॉर यूनिट लेंथ ऑफ द बीम, वही फाई इसको लेबल किया गया है, यानी दिस एंगल डी थीटा इज ऑल्सो फाई इफ डी एक्स इज वन। इन दैट केस एक चीज़ जो मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, जो मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि ये एंगल फाई कैसे बन जाता है। दैट्स राइट, दिस इज डी थीटा विच इज इक्वल टू फाई फॉर डी एक्स इक्वल टू वन, सो नो प्रॉब्लम हेयर, दिस इज फाइन, दिस इज फाई इफ यू कंसिडर यूनिट लेंथ। इफ दिस इज फाई, वॉट आई बिलीव इज, आई डोंट नो इफ दिस इज, आई डोंट नो कि ये आथर कैसे लिखते हैं इसको, ये फाई ये किस कैसे इसको फाई के इक्वल ले रहे हैं, बट जो मुझे कन्फ्यूजन है वो ये है कि अगर ये एंगल फाई है तो दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू रेडियल लाइन। सो वॉट आई बिलीव इज के वर्टिकल के साथ किसी एक रेडियल लाइन, ये बेसिकली यही डिफ्लेक्टेड शेप होती है ना जो हम स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये यही डिफ्लेक्टेड शेप होती है, दिस व्हाट आई अंडरस्टैंड। जो लाइन पहले वर्टिकल थी वो अब कर्व्ड हो गई है, सो यही हमारी स्ट्रेन डायग्राम बन जाती है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज द वेरी सेम लाइन यू सी ओवर हियर। सो ये एंगल जो है विद वर्टिकल एक रेडियल लाइन का, जिस जो कि बेसिकली स्ट्रेन डायग्राम की लाइन भी आप इसको कह सकते हैं, तो यहाँ पे नज़र आ रही है, इसका एंगल हाफ ऑफ डी थीटा या हाफ ऑफ फाई कहना चाहिए था, जो मुझे समझ आ रही है, एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड दिस हाफ फाई, तो हम यही एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें फाई, हाफ ऑफ फाई, दिस व्हाट आई सॉर्ट ऑफ थिंक। लेकिन लेट्स फॉर द मोमेंट बिलीव दैट दिस इज फाई। मुझे अभी तक इसका आंसर नहीं मिल सका, आई हैव कंसल्टेड मेनी बुक सोर्सेज बट आई हैवन्ट येट बीन एबल टू फाइंड आउट कि ये कैसे फाई बन जाते हैं। आई स्टिल बिलीव इट शुड बी फाई बाई टू, बट लेट्स एट द फॉर द मोमेंट लेट्स बिलीव दैट दिस इज फाई इन एग्रीमेंट विद द टेक्स्ट बुक। सो अब ये अगर फाई, ये हमारा कर्वेचर है, ये वही कर्वेचर है जो यहाँ पे हम शो करते हैं, बट विद द डिफरेंस दैट सो फार आई स्टिल नॉट श्योर इफ दिस फाई आर फाई बाई टू, बट एनीवेज लेट्स एग्री इट इज़ फाई। सो अभी हम यहाँ पे हमारी डिस्कशन इस कॉन्टेक्स्ट में होगी, फाई एंगल ऑफ आर स्लोप ऑफ द स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम की स्लोप से मुराद यानी ये इसके रेफरेंस स्लोप, यानी वर्टिकल हो तो ज़ीरो स्लोप, और जितना ये एंगल बढ़ता जाए तो ये स्लोप इसका बढ़ता जाए। नॉर्मली हम स्लोप हॉरिजॉन्टल के लिहाज से लेते हैं ना कि ज़ीरो, इस हॉरिजॉन्टल को आप ज़ीरो मानते हैं स्लोप, और फिर जैसे जैसे एक फ्लैट होती जाए, एक लाइन आप कहते हैं स्लोप बढ़ता जा रहा है, बट यहाँ पे हम स्लोप आप समझ लें कि इसको अगर आप 90 डिग्री रोटेट होके इस तरह से देख रहे हो, लाइक लेट मी शो दिस टू यू, यानी इस तरह से अगर आप इसको देख रहे हो तो फिर ही आप समझ ज़्यादा इसी समझ सकें ये स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब ये जितनी लाइन यूँ होती जाएगी इसके करीब, इसके ऊपर पड़ी होगी तो ज़ीरो स्लोप, और जैसे जैसे इससे एंगल स्टीपर होता जाए तो ये स्लोप बढ़ता जाएगा, कर्वेचर बढ़ता जाएगा। यस, लेट्स कम बैक। सो कर्वेचर फाई इज सिंपली दिस मैक्सिमम स्ट्रेन ऑन द कंप्रेशन साइड डिवाइडेड बाय द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल लेग्स। मैक्सिमम स्ट्रेन ऑन कंप्रेशन साइड डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ न्यूट्रल लेग्स। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल लेग्स को यहाँ पे हमने इस डिस्कशन में एक्स से रिप्रेजेंट किया है। At zero load, phi will be zero, m will also be equal to zero. ये angles
ये सेक्शन स्ट्रेट होगा, इसमें कोई कर्वेचर नहीं हो गई है, ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी. एंड देन व्हेन एम इंक्रीजेस दिस कर्वेचर विल इंक्रीज, इफ एम इंक्रीजेस दिस कर्वेचर विल इंक्रीज एंड दिस एंगल विल आल्सो इंक्रीज. ये ऐसे होता जाएगा, यू एंगल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो वी आर गोइंग टू basically develop a relationship between moment and curvature. So from conventional elastic beam theory, we call the limitations that sigma is equal to E epsilon homogeneous without homogeneous material. So E हमने relationship आप consult कर लें, कोई mechanism mediated by R.C. Hibbler या Pytel की book कर लें, Pytel Hibbler की नहीं, Pytel की कर लें, वहाँ आपको मिल जाएगी ये वाला रिलेशनशिप 1/ρ = mRI. इवन स्ट्रक्चरल एनालिसिस बाय R.C. Hibbler, वहाँ भी आपको ये रिलेशनशिप मिल जाएगा. चैप्टर 6 में 6.2 है शायद इलास्टिक बेंडिंग थ्योरी. एनीवेज दिस इज़ अ फैमिली रिलेशन. फाई और m जो हैं ये फाई और m लीनियरली रिलेटेड होते हैं, इनके बीच में लीनियर, अगर आप ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे फाई यहाँ पे m, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप 1/ei होगा अगर ये इक्वेशन वैलिड हो तो. और इस इक्वेशन की लिमिटेशंस में से कुछ लिमिटेशन यहाँ लिखी हुई हैं, होमोजेनियस मटेरियल हो, सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन हो. एनीवेज m फाई कर्व इज़ अ स्ट्रेट लाइन फॉर for linear elastic case. Above equation applies only up to the cracking point. Concrete के reinforced concrete के केस में ये equation apply होती up to cracking point, क्योंकि cracking point से पहले पहले तक का जितना region है वो वहाँ पे ये जो conditions हैं ये satisfy हो जाती हैं. ये वाली sigma इक्वल टू epsilon में material completely homogeneous नहीं होता, बीच में steel होता है, but अगर आप स्टील को कंसिडर करना चाहते हैं देन कंसिडर ट्रांसफॉर्म सेक्शन एंड देन अप्लाई, यानी जो आई आप निकालें वो ट्रांसफॉर्म सेक्शन का निकाल लें, बाकी प्रॉपर्टीज उसी तरह से होंगी. या अगर समटाइम्स वी कैन इग्नोर इट, सो आप जस्ट जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन है मतलब BHQ/12 कॉन्क्रीट सेक्शन उसी से निकाल लें इफ़ यू वॉन्ट टू इग्नोर स्टील. जनरल प्रोसीजर फॉर प्लॉटिंग मोमेंट कर्वेचर कर्व, ये मोमेंट कर्वेचर कर्व है वो इस बुक में जिसकी तरफ हम बार बार रेफर करेंगे वो ये वाली कर्व है बेसिकली. मैं इसलिए इसको पहले से डिस्प्ले कर दिया. जनरल प्रोसीजर प्लॉट करने का ये होगा, यानी प्रोसीजर के अंदर हम लेट्स से एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट कैसे ऑब्टेन करना है, लेट्स से ये पॉइंट कैसे ऑब्टेन करना है, यानी इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स फाई और एम कैसे ऑब्टेन होंगे, ये प्रोसीजर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जनरल प्रोसीजर ये इसका कि आप सेलेक्टिव वैल्यू ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन एट द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर एप्सिलॉन सी मैक्स की एक वैल्यू आप सेलेक्ट कर दें, यानी ये जो हमने पीछे डिस्कस किया है बेसिकली ये स्टेप्स को भी, यही डायग्राम स्टेप्स को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनको भी हाईलाइट यही डायग्राम से हम करेंगे, यही उसके स्टेप्स हैं. आपको एक वैल्यू एप्सिलॉन सी मैक्स की एज्यूम कर लें और सेलेक्ट कर लें एक, जिस ज़ाहिर है कोई ना कोई वैल्यू जब ज़ीरो लोड होता है तो ज़ीरो लोड होती है एप्सिलॉन सी मैक्स की वैल्यू, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है तो एप्सिलॉन सी मैक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है. तो आप कोई एक वैल्यू पिक कर लें, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन एट द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर. फॉर एग्जांपल आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ज़ीरो से लेट्स से आपने ज़ीरो पॉइंट, अगर हम टेंडस पर लेट्स से -3 में बात कर लें तो लाइक 0.1 इंटू टेंडस पर -3 आप कोई वैल्यू दे, जैसे एक स्टार्टिंग वैल्यू की बात करो कोई स्मॉल वैल्यू, इवन टेंडस पर -5 ऐसी कोई वैल्यू आप एज्यूम कर लें और उसके बाद क्या करें, एक सेलेक्ट कर लें वैल्यू. एज्यूम से मरा दिए कि उस वैल्यू के लिए हम उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम फाइंड कर लेंगे एम और फाई की का जो पेयर होगा एम और फाई का. एज्यूम द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, तो ये आपने एज्यूम कर ली फर्स्ट स्टेप में, सेलेक्ट किया थी वैल्यू एप्सिलॉन सी मैक्स की. सेकंड स्टेप में यू विल एज्यूम द न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, लेट्स कॉल इट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द टॉप फेस. और अब आपको अगर ये चीज़ सेलेक्ट आपने कर ली है और एक्स आपने, अभी आपको पता नहीं है वैल्यू कि एक्स का
इस डिस्टेंस का, लेकिन आपने एक्स उसको कह दिया है। तो अगर आपको ये पता है कि ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर है तो डेफिनेटली ये लाइन यहाँ से होके गुजरेगी। अब ये एक स्ट्रेट लाइन, यू कैन एक्सटेंड इट ऑल थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ दिस बीम फ्रॉम द अजम्पशन दैट प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू एन एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द डेप्थ। तो ये वाली फिगर आपको, तो इसका मतलब स्ट्रेन डायग्राम आपके पास बन जाएगी। अगर आप लेट्स से एक स्केल के ऊपर प्लॉट कर रहे थे, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर रहे थे, तो आपके पास ये आपने खुद आपने सेलेक्ट करके जब वैल्यू आपने ऊपर सेलेक्ट कर दी तो आपने ये प्लॉट कर दिया। अब उसके बाद आपने ये डिस्टेंस प्लॉट कर दिया, ये वाला पॉइंट, तो आपने इनको ज्वाइन कर लिया। अब हर अगर आपके पास ये ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटेड है तो आप रीड कर सकते हैं कि किस स्टेप पे कितनी वैल्यू है स्ट्रेन की, कंप्रेशन वाली साइड पे भी और टेंशन वाली साइड पे। या अगर आप एनालिटिकली कर रहे हो तो फिर आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम इफ प्लॉटेड टू द स्केल ऑल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन कैन बी रीड फ्रॉम प्लॉट आर स्ट्रेन डायग्राम। एनालिटिकली हम कैसे कर सकते हैं, यानी जब हम ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट ना कर रहे हो तो एनालिटिकली हम फाइंड कर सकते हैं बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एट एनी डेप्थ। अगर हम एक्सप्रेशन लिख लें फॉर स्ट्रेन एट एनी डेप्थ के लिए, फॉर एग्जांपल उस जनरल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर दें और डेप्थ को आप कोई भी, मैं ढूंढ रहा था क्या वेरिएबल यूज़ कर लूँ जो मुनासिब हो, लेकिन बहुत सारे वेरिएबल्स काइंड ऑफ ऑक्यूपाइड हैं कि उनको हम किसी और सेंस में ऑलरेडी यूज़ कर रहे, तो मैंने इसको आर कह दिया। आप कोई भी डिस्टेंस कह सकते थे। वाई इसलिए नहीं यूज़ किया कि हम सिग्मा इक्वल टू एम वाई ओवर आई में हम अक्सर वाई फिर आप वो वाला वाई कन्फ्यूज़ ना करते हैं, क्योंकि उस वाई का जो रेफरेंस होता है वो सेंट्रोइड से जहाँ आप स्ट्रेन की बात कर रहे हो वहाँ या स्ट्रेस की बात कर रहे हो वहाँ तक होते हैं। इसलिए मैंने आर की टर्म यूज़ कर दी। From any r is 0 when you are at the top, r is equal to x when you are at the neutral axis, r is equal to d when you are at this location, steel ki location, and r is equal to h when you are just at the bottom. So this is what I have written, r equal to x, at r equal to x epsilon f for flexure strain, इसलिए f लिखा है, equal to 0 epsilon f लिखा हुआ है, यानी ये value यहाँ पे 0 है x, यानी जस्ट आपको बताना था कि ये आर एप्सिलॉन एफ और एप्सिलॉन एफ और आर जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या चीज़ें हैं, ये बताने के लिए कुछ वैल्यूज लिख ली हैं ताकि आप समझ सकें। नाउ एट द डेप्थ आर आर डिस्टेंस आर फ्रॉम द टॉप फेस द इक्वेशन विल बिकम एप्सिलॉन एफ, यहाँ मैंने फ्लेक्चर लिख दिया उसके साथ, एप्सिलॉन सी मैक्स माइनस सम वैल्यू। अब वो जो माइनस है यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन, ये मैंने इस लाइन की स्लोप को मल्टीप्लाई किया अलॉन्ग दिस डिस्टेंस, यानी अगेन इसी को अगर आप रोटेट करके देखें तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकें इसको। मैं इसको रोटेट करके आपको दिखा रहा हूँ, यानी अगर आपको मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस एप्सिलॉन सी मैक्स है, आप मुझे ये वाला ऑर्डिनेट बताएं, तो ये डिस्टेंस एप्सिलॉन सी मैक्स है, लेट मी मैग्नीफाई इट, ये डिस्टेंस एप्सिलॉन सी मैक्स है, ये सात वाला ऑर्डिनेट कितना होगा, ये आपको ड्रॉप जितना आया है इस डिस्टेंस के दौरान ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस एप्सिलॉन सी मैक्स। तो ये जो ड्रॉप आया यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़ यू मल्टीप्लाई द स्लोप ऑफ दिस लाइन विद एक्स। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज एप्सिलॉन सी मैक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है, ये इसकी स्लोप है। अगर आप इसके स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें विद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को, या आप सिमिलरिटी ट्रायंगल से भी कर सकते थे, तो आप इस ऑर्डिनेट को, ये जो ड्रॉप है आपके पास आ जाएगा, दिस ड्रॉप विल बी ऑब्टेन्ड इफ़ यू मल्टीप्लाई द स्लोप एप्सिलॉन सी मैक्स ओवर एक्स विद डिस्टेंस आर, ये जो आर डिस्टेंस है। सो यू कैन ईजीली, ये कहीं लिखा हुआ नहीं था फार्मूला, ये मैंने खुद फार्मूलेट किया है looking at the figure, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन सी मैक्स ओवर एक्स, एप्सिलॉन सी मैक्स ओवर एक्स इंटू आर। आप इसको कन्फर्म भी कर सकते हैं, when r is zero, this expression becomes zero and you are at the top, you are getting the stress at the top, epsilon c max. When r is equal to x, so then this becomes epsilon c max and the final answer is zero, epsilon c max minus epsilon c max. So this confirms our formula. Epsilon F is flexural strain at distance r from the top face, as we discussed.
नाउ एजम्पशंस फ्रॉम नंबर थ्री. अब ये नेक्स्ट स्टेप हमारा है. पहला स्टेप क्या था? यू सेलेक्टेड अ वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन सी मैक्स. नेक्स्ट यू अज्यूम्ड अ वैल्यू ऑफ एक्स, द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द टॉप फेस. एंड देन थर्ड यू ऑब्टेन्ड योर स्ट्रेन डायग्राम. और ये भी बेसिकली इसी का ही पार्ट है, थर्ड का ही. इसी से हमने ज्योमेट्रिकली कर रहे हैं, तो आपने स्ट्रेन डायग्राम इन दो पॉइंट्स को जॉइन करके ड्रॉ कर लिए. अगर आप एनालिटिकली कर रहे हो तो आप इस तरह की इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं. सो यू वुड नो द स्ट्रेन एट एनी डेप्थ. नाउ फ्रॉम फिफ्थ स्टेप इज फ्रॉम योर अजम्पशन नंबर थ्री. दिस वाज अजम्पशन नंबर थ्री. क्विकली लेट मी टेक यू टू अजम्पशन नंबर थ्री. अजम्पशन नंबर थ्री वाज दिस. This was our assumption number three. Stresses in concrete and reinforcement can be computed from the strains by using stress strain curves developed up. ये जो मैंने शूट काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, तो जो एक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है वो आप फ्लेक्चुरल स्ट्रेस स्ट्रेन के केस में यूज़ कर रहे हैं. एक्चुअली तो बीम में फ्लेक्चुरल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स हैं, आप उनको जो इनका रिलेशन एक्सियल के केस में था वही रिलेशन आप यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं. सो ये हमने यूज़ करना है अब इस जगह यहाँ पे. इसलिए हमने ये अजम्पशन ली थी ये नंबर फाइव में. फ्रॉम अजम्पशन नंबर थ्री द फ्लेक्चुरल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेक्चुरल स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग एक्सियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील. अगर तो ये रिलेशनशिप जैसे अगर तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक लीनियर रिलेशनशिप हो, तो आप किसी भी गिवन वैल्यू ऑफ स्ट्रेन को डिवाइड कर लें बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा उसी लोकेशन पे. मसलन इस जगह पे कंक्रीट में स्ट्रेन अगर आपको पता है और आपको ये भी पता हो कि इस लेवल ऑफ स्ट्रेन के ऊपर एक लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो आप सिंपली स्ट्रेन को मल्टीप्लाई करते हैं विद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, यू विल बी गेटिंग स्ट्रेस एट द सेम लोकेशन. तो ये भी अगर एक लीनियर रिलेशनशिप हो स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो जो आगे जो नेक्स्ट फेज में जो स्ट्रेस डायग्राम बननी है वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि हर जो ऑर्डिनेट है वो एक ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो दैट विल नेचुरली अगेन बी अ स्ट्रेट लाइन. और उसकी यही शेप होगी, यानी उसी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये कट करेगा इस एक्सिस को, जिस तरह से आप फेमिलियर हैं उस डायग्राम से. लेकिन अब इस केस में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उन मटेरियल प्रॉपर्टीज़ को देखें जो हमने यहाँ पे कंसीडर की हैं, फॉर एग्जांपल फॉर कंक्रीट दिस इज़ अ पैराबोलिक पोर्शन, ऑल्दो इट सीम्स टू बी स्ट्रेट एंड इनिशियली यस दिस इज क्लोज टू स्ट्रेट, बट या दिस इज़ बेसिकली अ पैराबोला. सो लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन एफ सी एंड एप्सिलॉन सी, इट इज़ नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप. So you cannot simply multiply, you cannot simply obtain stress by multiplying the strain with modulus of elasticity. You need to, for each value of epsilon c, you will be obtaining the value of, you will be obtaining the value of fc. For each value of epsilon c, जो कि वहाँ पर हमने उसको epsilon f कहा है क्योंकि वहाँ पर वो flexural है, for every each value you can obtain the corresponding stress value by putting the strain value over here. अब डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रेन वैल्यू इस रेंज में फॉल करती है या इस रेंज में फॉल करती है. यहाँ पे रिलेशनशिप ऑल दो लीनियर है, बट ऑफकोर्स ओवर द इंटायर रेंज दिस इज़ नॉट लीनियर. और ये भी हमारी एक सिंप्लीफाइड एजम्पशन है कि ये इसको पैराबोलिक इक्वेशन से और इसको एक लीनियर इक्वेशन के दो पार्ट्स बना के इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया. ये भी हमारी एक एजम्पशन है, बट स्टिल अगर हम इस एजम्पशन को मान लें तो इसके मुताबिक हम स्ट्रेंस कैसे कन्वर्ट स्ट्रेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. ईच वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट एनी गिवन डेप्थ यू कैन कैलकुलेट इट इफ़ यू नो द स्ट्रेन एट दैट गिवन डेप्थ. स्ट्रेन आपके पास एट एनी डेप्थ यहाँ से आ रहा है स्ट्रेन, और उस डेप्थ को आप कन्वर्ट करेंगे इनटू स्ट्रेस. कैसे? बाय यूजिंग दैट स्ट्रेन वैल्यू इन ईदर ऑफ दीज टू इक्वेशंस डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेन वैल्यू, कि वो कहाँ पे फॉल करती है, इसमें फॉल करती है, इसमें फॉल करती है. द एप्सिलॉन सी इन अबव इक्वेशंस इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन एफ फ्लेक्चुरल स्ट्रेन इन कंक्रीट कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर फोर. सो इफ हुक्स लॉ वर वैलिड वी वुड हैव ऑल सिंपली मल्टीप्लाइड द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन्स बाय द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट टू ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस, बट सिंस दैट्स नॉट
the case for concrete, we are using this relationship which we have already discussed. Now, अब आपके पास स्ट्रेस डायग्राम आ जाएगी, यानी अब आप, अगर मैं स्टेप्स काउंट करूँ, अब आप इस वक्त इस स्टेप पे पहुँच चुके हैं. अब ये जो शेप ड्रॉ हुई है, ये तकरीबन अल्टीमेट के करीब वाली शेप है, लेकिन ये कहीं भी जनरल हमने एक शेप ड्रॉ की है. अल्टीमेट के करीब होती तो फिर खैर ये वाला पोर्शन ना आता, टेंसाइल वाला हम निकले कर चुके होते. बट एनीवेज, ये एक जनरल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें ये वाली जो कॉन्क्रीट है यहाँ पे, दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली इग्नोर्ड बिकॉज इट इज़ क्रैक्ड और क्रैक्स काफ़ी प्रोपेगेट हो चुके हैं इस स्टेज पे, तो हमने शायद इसलिए इसको ड्रॉ नहीं किया है. तो स्ट्रेस अगर आपके पास आ जाए, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर आपके पास आ जाए, अब हम स्ट्रेस ब्लॉक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके दो काम करेंगे. एक काम करेंगे, हर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को का जो एक रिजल्टेंट फोर्स है वो कैलकुलेट करेंगे. जैसे यहाँ पे सीसी लिखा हुआ है, इस कंप्रेसिव ब्लॉक में, कंक्रीट कंप्रेसिव ब्लॉक की जो रिजल्टेंट फोर्स है, एक तो हमें इसका मैग्नीट्यूड सीसी, ये कैसे कैलकुलेट होगा, बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन अंडर दिस ब्लॉक, स्ट्रेस वॉल्यूम ऑफ दिस ब्लॉक, वो कैसे कैलकुलेट होगा वॉल्यूम. अगर आप ये वाला एरिया निकाल दें और दूसरी जो डायमेंशन है विड्थ, उससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये जो ये तो डेप्थ वाली साइड है ना, विड्थ इस बीम की परपेंडिकुलर है टू दिस डायमेंशन. तो हम अगर ये वाला एरिया निकाल दें, क्योंकि ये इररेगुलर है, इसका एरिया निकाल लें, तो दूसरी जो डायमेंशन है वो विड्थ, एक कॉन्स्टेंट विड्थ है इस केस में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देट विल बी सिंपल कैलकुलेशन. लेकिन इसका एरिया एक्चुअली कैलकुलेट करना एक मुश्किल काम है. इसके लिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्कीम यूज़ कर सकते हैं. मतलब जितने आप ज़्यादा इसके पॉइंट्स बनाएंगे, जितने आप ज़्यादा डेप्थ पॉइंट्स कंसिडर करेंगे अलॉन्ग द डेप्थ, उतना आप फाइनर कैलकुलेशन कर सकते हैं, उतना आप ज़्यादा अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एरिया अप्रॉक्सीमेट आप उतना ज़्यादा कर सकें. कम जितने सेगमेंट्स बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपको एरर थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा. सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्कीम यूज़ करके, यानी हर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया आप कैलकुलेट करते जाएं और ऐड अप कर लेते, आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा. सो यहाँ से ये जो सिक्स स्टेप है इसको हम डिस्कस करें. यूजिंग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, द वॉल्यूम अंडर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड. This could be done by first finding the area under the stress versus depth diagram as I discussed, and then multiplying by the width of the beam, as the width is constant throughout the depth and need not be treated as a variable. Now this volume of the compression block is CC. Compression block ka volume CC, the compression force in concrete. As far as tensile force in concrete is concerned, it can also be calculated in the same manner, though it does not really need numerical integration because it is is tensile stress distribution is linear. What I mean by that? I mean that this distribution, tensile stress distribution, is linear. जहाँ तक effective है concrete आप consider कर रहे हैं, जहाँ तक modulus of rupture exceed नहीं हुआ, जब strain आपके modulus of rupture से बढ़ जाए, so वहाँ पर आप stress नहीं calculate करेंगे, because वहाँ पर तो concrete cracked है ना, वहाँ पे तो कंक्रीट टेंशन में इफेक्टिव नहीं होगा. तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ जितनी वैल्यूज़ थी, ये सारी वैल्यूज़ जो स्ट्रेन की आ रही थी, ये ग्रेटर थी स्ट्रेन एट इस एप्सिलॉन आर से, विच इज़ टेंसाइल स्ट्रेन एट करस्पॉन्डिंग टू मॉडुलस ऑफ रप्चर. तो अगर ये वैल्यूज़ ग्रेटर थी तो ज़ाहिर ये नेगलेक्ट हो गई. ये वाली वैल्यूज़, ये वैल्यू लेट्स से एप्सिलॉन आर के बराबर है, इससे बाकी वाली नीचे वाले वैल्यूज क्यों नहीं कंसिडर की, एप्सिलॉन आर से ग्रेटर है. सॉरी, ये मैं स्ट्रेस को देख रहा था, ये यहाँ पे मैं एप्सिलॉन आर कह रहा था, एफ आर कहना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये स्ट्रेस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ पे मुझे एप्सिलॉन आर नज़र आएगा, ये नीचे वाली वैल्यूज लेट से सारी ग्रेटर थी एप्सिलॉन आर से, तो उनको उनके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन, जो स्ट्रेस है वो नहीं है कैलकुलेट किया, क्योंकि दे विल नॉट बी टेकिंग एनी टेंसाइल स्ट्रेस, वो ऑलरेडी क्रैक हो चुके हैं वो वाले रीजन्स. सो ये एक लीनियर रीजन है, इसका एरिया निकालने के लिए आपको सिंपली हाफ ऑफ दिस, इन एवरेज ऑफ दिस, स्ट्रेट लाइन है तो हाफ हो जाएगा इस मैक्सिमम का, मैक्सिमम स्ट्रेस का हाफ मल्टीप्लाइड बाय
ये जितनी डेप्थ तक ये आ रहा है, तो आपके पास यानी इस ट्रायंगल का एरिया सिंपल मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द बीम, तो इससे आपके पास टेंसाइल फोर्स इन कॉन्क्रीट आ जाएगी। ये नॉर्मली एक स्मॉल वैल्यू होगी, यू कैन नेग्लेक्ट इट आफ्टर क्रैकिंग। और टेंसाइल फोर्स इन स्टील निकालना तो बहुत आसान है, अगर आपके पास स्ट्रेन है टेंसाइल स्टील में स्ट्रेन अगर आपको पता है एप्सिलॉन एस, यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 29,000 ले लें के ऐसा यूएस कस्टम यूनिट्स में, और 200 गीगा पास्कल आप ले लें ऐसा यूनिट्स में, तो आपके पास स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस आ गया आपके पास, तो अब आप इसको फोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई दिस एफ एस बाय ए एस, जितना एरिया है ये, सो यू विल बी गेटिंग टी एस। सो टी एस में तो कोई मसला नहीं है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, लेट मी टेक यू टू दैट पॉइंट, ये बाद 14 पेज इज मिसिंग, 14th पेज इज मिसिंग, लेट मी चेक, सॉरी ये 13 के बाद 15 पेज आ रहे हैं, 14 में स्कैन करना शायद भूल गया हूँ, तो 14 में आपसे अलग से शेयर कर लूँगा। लेकिन उसमें मैंने लिखा क्या था, सिंपल एक बात लिखी थी जो समझने वाली, वो ये है कि कंक्रीट का स्ट्रेस निकालने के लिए यू यूज़ दिस एक्सप्रेशन, स्टील का स्ट्रेस निकालने के लिए दो एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ दो एक्सप्रेशन है वहाँ स्टील के स्ट्रेस के लिए भी दो एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, इट विल बी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, स्ट्रेस इन स्टील विल बी इक्वल टू ई एस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन इन स्टील, मैं इसको एप्सिलॉन ही लिख रहा हूँ, ठीक, एप्सिलॉन विद अ सबस्क्रिप्ट एस, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट होगा इफ एप्सिलॉन एस, इफ एप्सिलॉन एस इज लेस देन एप्सिलॉन यील्ड, यील्डिंग स्ट्रेन सिंपली यू यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेंथ है उसको आप डिवाइड कर दें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, आपके पास एप्सिलॉन वाई यील्ड स्ट्रेन आ जाएगा। अगर आपका गिवन स्ट्रेन एप्सिलॉन एस लेसर है एप्सिलॉन वाई से, यील्डिंग स्ट्रेन से, तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे, एफ एस इक्वल टू ई एस, सॉरी ई इंटू एफ एस इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील ई एस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन इन स्टील एप्सिलॉन एस। लेकिन अगर आपका स्ट्रेस जो है वो ग्रेटर हो देन एप्सिलॉन वाई, यानी यील्डिंग हो चुकी हो, तो फिर आप एफ एस की वैल्यू सिंपली इक्वल टू एफ वाई यील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल लेंगे, क्योंकि हमने जो मॉडल लिया है स्टील के लिए उसमें हमने ये जो पार्ट है आफ्टर यील्डिंग ये स्ट्रेट ली है, तो हमने एज्यूम किया है कि यील्डिंग के बाद स्ट्रेस लेवल इंक्रीज नहीं होता, स्ट्रेन हार्डनिंग को हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं। तो दो रिलेशनशिप होंगी, जैसे यहाँ आपको एप्सिलॉन सी की दो डिफरेंट रेंजेस के लिए डिफरेंट फार्मूले हैं, इसी तरह एफ एस के लिए भी दो फार्मूले हैं, इफ़ एप्सिलॉन एस इज लेस, इफ़ एप्सिलॉन एस स्ट्रेन इन स्टील इज लेस देन यील्डिंग स्ट्रेन यू विल बी यूजिंग हुक्स लॉ, इफ एप्सिलॉन एस एक्सीड्स एप्सिलॉन वाई यू विल बी यूजिंग अ फिक्स्ड वैल्यू एफ वाई, सो इफ एप्सिलॉन एफ एस इज इक्वल टू एफ वाई, इफ एप्सिलॉन एस इज greater than epsilon y। अब कुछ मैथमेटिकल लोग कहेंगे इसमें फिर आपने इक्वल टू नहीं डाला, ऊपर भी लेस देन है नीचे भी ग्रेटर है, तो इक्वल टू दोनों में अप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी आप लगा सकते हैं, बेसिकली लिखना था इज इक्वल टू आर लेस देन epsilon y, और यहाँ लिखना था इक्वल टू आर ग्रेटर देन epsilon y।
एग्जैक्टली अगर एप्सिलॉन एस इक्वल टू एप्सिलॉन वाई के, यानी यू आर जस्ट एट द यील्डिंग, तो आप बेशक ये फार्मूला यूज़ कर लें या ये नीचे वाला फार्मूला यूज़ कर दें, मल्टीप्लाई का साइन डाल रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया, तो वन एंड द सेम थिंग, ठीक हो गया। ये मैंने एप्सिलॉन एस लिखना था, मैं सैम्पल यहाँ पे तलाश करने के बजाय यहाँ पे सिंपली ये लिख रहा हूँ जस्ट टू सेव सम टाइम।